हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? पबजी के वाले लवर, तो जिसको पबजी का किसका है वो खेलता है और बहुत अच्छा अपना मनोरंजन करता है साथ में। तो अभी उतर रहे हैं जो नए मेंबर है, कोई भी लड़का है, कोई भी जो फर्स्ट टाइम पबजी खेल रहा है या उसको नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के अपने देखेंगे, इसके माध्यम से सीख सकते हैं यार। इसको खेलो इतना कि मनोरंजन हो सके, दिमाग में मत बिठाना कोई भी, मेरा यही कहना है। खेल लिया कोई 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा खेल लिया दिन में, जैसे 10 मिनट 15 मिनट कभी, आधा घंटा 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं खेलना। उससे क्या, थोड़ा बहुत अपना, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, दूसरा है कि इसमें मनोरंजन होता रहता है, थोड़ा बहुत इसमें ब्रेन का भी अपने अच्छी तरीके से काम करता है कि यार कुछ नई चीज़ अपने को सीखने को मिलती है। तो दोस्तों उतर गए हैं और अब अपने उतरते ही क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपने को जो कमरे वगैरह होते हैं, यहाँ पर बंदूकें वगैरह, गन वगैरह, गोलियाँ हैं, स्कोप है, अपने जो वो मेडिकेट किट है, बैंडेड है, वो सब उठा लो। अभी इसने क्या है, लेवल वन का बैग उठा लिया। इसमें ये छोटा होता है, इसमें सामान कम आता है। अभी ये भाग कर देख रहा है जरूर कहीं से मिल जाए। जैसे जैसे इसको सामान मिल रहा है, इसके पास चले जाओ सामान के, ये अपने आप उठा लेता है। जो सामान नहीं उठा पाता है उसको आप उस पर क्लिक कर दो तो वो उस सामान को भी उठा लेगा, लेकिन ज़रूरत का सामान है लगभग वो सारा। अभी ये इसने जो बैग देखा है ये इसने उठा रखा है, और जो नीचे पड़ा वो सामने, ये लेवल वन के बैग है तो ये छोटे होते हैं। सामने बग्गी खड़ी है भाई, और ले चलिए साथ में। कौन आ गया, बंदा आ गया, शॉटगन उठा रखी है। शॉटगन में ये होता है ना कि एक गोली या दो गोली से बंदा है ना डाउन हो जाता है। शॉटगन के फायदे भी है, लेकिन ये लोड होने में टाइम लेती है यार। जैसे एक गोली चलने के बाद फिर से इसको लोड करना पड़ता है। ये अपने एक टीम के अंदर उतरते हैं, चार बंदे। ये देखो चारों बंदे, अपने इसके ऊपर लिखा चार नंबर, ये चार नंबर अपना ही बंदा है। जो अपने बंदे हो गए ना उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे होंगे, एक तो अपना हो जाएंगे खुद और बाकी तीन मेंबर वो। तो अपने बंदों को गोली मारोगे तो गोली नहीं लगने वाली है भाई, और दूसरों को मारो तो पट से शॉट लग जाएगा। अभी भाई ने उठा रखी है शॉटगन और एक ले रखी है AKM। AKM के अंदर गोलियां नहीं है, इमो बिल्कुल भी नहीं है, खाली है। और ये भाई सामने है ज़बरदस्त, ये क्या है, मेला लगा हुआ है यार पबजी का। मेला कह लो कुछ भी कह लो, यहाँ पर क्या है यार, आप जाओगे ना आपको सामान ही सामान मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ज़बरदस्त स्कोप 3x है, 8x, 4x सब मिल जाएंगे। कार 98 शॉट गन से ज़बरदस्त होती है, वो शूटर कहते हैं ना कि एक गोली में हेड शॉट लो और काम तमाम। सब AWM वगैरह, सॉरी AWM यहाँ नहीं मिलेगी यार, AWM तो उसमें मिलेगी ड्रॉप में, लेकिन बाकी लगभग गन यहाँ पर मिल जाती है। ड्रॉप गिरती है यार, ड्रॉप में तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, वहाँ पर खतरा ही उतना ही होता है। अभी भाई ने UGE गन उठाई है, तो हो सकता है पहले कोई लूट के चला गया, थोड़ा बहुत ही है। AKM इसने फेंक दी और ये वाली उठा ली है, मेडिकेट पड़ी है इधर, बंदे भी है। ये देखो इधर ऊपर है ना राइट साइड में कोने में, यहाँ पर मैप बना हुआ है, जो रेड डॉट आ रहे हैं ना ये संतरी कलर में, इसका मतलब है यहाँ पर गोलियाँ चल रही है, बंदे हैं भाई यहाँ पर। और बंदे सारे हैं ना कंप्यूटर वाले नहीं होते हैं ये, अपने 100 इसमें पबजी मोबाइल के अंदर 100 बंदे उतरते हैं, और लगभग जो अपने खेलते हैं ना पूरे वर्ल्ड से वही बंदे होते हैं। ठोक देंगे भाई, बच के रहियो। चल भाई चल फटाफट। अब इसने S416 गन उठा रखी है हाथ में, ये गन भी भाई ज़बरदस्त होती है, इस पर स्कोप वगैरह भी लग जाते हैं और हिलती भी कम है। ये AKM का फ़ायदा, ये AKM गन ज़बरदस्त है, लेकिन वो क्या है क्लोज फाइट के लिए बढ़िया रहती है यार, उसकी है ना डैमेज भी ज़बरदस्त है। हेलमेट भी लगा रखा है बंदे ने, हेलमेट लगा लेना चाहिए। हेलमेट लगाने से क्या होता है कि बंदा अगर गोली वोली मारता है ना तो जल्दी से क्या है उसको लगती नहीं है। भाई ने लगभग सामान अपना कर लिया होगा पूरा, निकल गया यहाँ से।
एक अपने को वेस्ट पहन लेनी चाहिए। वेस्ट होती है जो बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं ना, वो वाली, वो भी पहन रखी है भाई ने। तो इससे क्या होता है कि गोली वगैरह लगती नहीं है, या उसमें भी 3 लेवल के होते हैं, हर चीज़ बैग हो गया 3 लेवल के होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। अब इसने फर्स्ट लेवल का बैग पहन रखा है, अगर कहीं से इसको मिल गया ना सेकंड लेवल का, तो वो थोड़ा उससे बड़ा होगा, उसमें सामान ज़्यादा आ जाएंगे। और जो क्या बोलते हैं, हेलमेट है, ये भी फर्स्ट लेवल का है, इसमें सेकंड लेवल का भी आता है, कहीं से मिल जाए तो वो भी उठा लो। अरे भाई को तो नॉक कर दिया किसी ने, वो देखो प्लस का निशान आ रहा है बंदूक के पास में। इसका मतलब है कि अपने जो 4 बंदे उतरे थे ना, 4 बंदों को बोलते हैं स्क्वाड, और उसमें से एक बंदे को किसी ने गोली मार दी है। तो अब क्या है, वो बंदा नीचे डाउन हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब दूसरा बंदा जो अपने 4 बंदे हैं ना, इसमें से अगर कोई जाके उसको ले, इसको भी रगड़ दे भाई ने। ये देखो इसके अंदर स्कोप वगैरह, गन वगैरह नहीं मिली। अरे स्कारल उठा ले भाई, AKM है क्या? हाँ स्कारल उठा लिए, स्कारल भी ज़बरदस्त है भाई गन। स्कारल, AKM, ये तो भाई तगड़ी तगड़ी गन है, बंदे को पट से मार देती है। तो उस बंदे को जाके रिवाइव देना पड़ेगा भाई। ऊपर देखो जो गोली वाला निशान, उसके पास में 4 बंदे दिखाई दे रहे हैं, 4 बंदे का ये नाम लिखा हुआ है, जिसमें रेड कलर चल रहा है और सामने प्लस बना हुआ, इसका मतलब वो नॉक हो चुके, नीचे गिर चुके हैं। और उनको ये बंदा जो खेल रहा है, ये जाके उनको रिवाइव देगा, तब ही वो बंदे खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज वो टाइमिंग के हिसाब से ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी ने पहले गोली मार दी उसको आके, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब ये बंदा नीचे गिरा हुआ है, ये देखो इसको रिवाइव देने के लिए आ रहा भाई। आ जा भाई छोटे, फटाफट आ जा आ जा। ये प्लस का निशान है, रिवाइव, इस पर क्लिक कर दिया और ये इसको रिवाइव देगा। अब ये देखो ये रिवाइव स्टार्ट हो गया है। अब ये बंदा नीचे गिरा हुआ ना, ये खड़ा हो जाएगा, और ये भी फिर इसमें भी पावर वगैरह, ये भी चला सकता है गन। अब ये गन वगैरह कुछ नहीं चला सकता, चाहे कितनी भी। अब ये खड़ा हो गया, अब ये इस बंदे ने रिवाइव दिया और ये निकल लिया। इसके भी गोली वगैरह लगी हुई है, इसकी हेल्थ कम है, देखो बंदूक के नीचे हेल्थ रेड कलर में आ रही है, वो हल्की रेड है, पूरी रेड होगी तो बंदा ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन अभी काफ़ी बढ़िया है यार। और लगा दे भाई शॉर्ट शूट, कोई बंदा दिखा दे, कोई नए बंदे सीख लो यार, मज़े मारो, टेंशन फ्री रहो, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए यार सब कुछ, इतना पॉपुलर गेम है तो यार कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत खेल लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कुछ नहीं जाता, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जानी है। पबजी वगैरह तो खेल लेना चाहिए यार, इससे थोड़ा माइंड भी बढ़ता है, इससे पता चलता है कि यार कौन गन, एक चीज़ और इसमें गन का भी ज्ञान हो जाता है, कौन कौन सी गन होती है, कौन कौन सी अपने राइफल इमो वगैरह इसमें कौन सी डलती है, स्कोप क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत यार ज्ञान भी बढ़ जाता है इससे। ओ भाई बढ़ा ले भाई अपनी हेल्थ बढ़ा ले। हाँ ये ड्रिंक वगैरह पी पू के, बैंडेड वगैरह लगा के, और अपनी हेल्थ इसने बढ़िया बना ली है, 70% हो गई है इसकी हेल्थ, अच्छी है। तो बंदा खेल रहा है भाई पूरी हिम्मत के साथ में, चलता रहे भाई चलता रहे। चल भाई देख भी बंदे बंदे कहाँ पर है। जाके देख उस घर में बंदे है कि नहीं है वहां पर। ये बंदा आ गया, ले इसको धरते 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 ते हेड शॉट ले इसका, मार 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 ले, ठोक दे भाई गोलियां, रिवाइव। ओ ठीक है, बंदे ने 3 बंदे मार दिए भाई अपने वाले ने, स्कोर जो उतरी थी, ये अपना बंदा, इसने भाई 3 बंदों को तो खड़का दिया है। और जो बंदा मर जाता, उसके पास जो भी सामान होता है, उसकी एक पेटी बन जाती है, उस पेटी में से कुछ भी निकाल लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो सामान अगले वाले बंदे के पास होगा, वो इस पेटी में सारा का सारा धराता है, कुछ भी निकाल सकते हो यार, उसका सामान ले लो और आगे जो बंदा आ रहा उसको ठोक दो। ये इसने खुद का बैग देखा, इसमें फालतू का जो सामान पड़ा है ये बाहर फेंक रहा है, ये इसमें ये देख रहा है क्या है, ये गोलियां वगैरह जो गन पहले ले रखी थी, शॉर्ट गन वगैरह उसकी गोलियां थी, वो इसने निकाल के फेंक दी है। बैग आधा थोड़ा खाली हो गया है। चलो भाई ठोक दे बंदे, क्या कर रहा है बंदा। ओ स्कोप लगाया इसने, ये देखो ये जूम, स्कोप जूम कर देता है, स्कोप लगने से ये फायदा होता है, ये शायद 4x 4x का स्कोप लगा हुआ। ये देखो बंदे भाई
ऐसे नहीं दिखाई देते, स्कोप लगा हुआ तो पता चल रहा है कि यार बंदे है कोई। वो देखो भाग रहा है वो वहाँ से, अब इसने देख लिया तो ये पिकअप शॉट ले रखा है। बंदे का शरीर सारा इस दीवार के पीछे और सिर्फ हेड बाहर निकाल कर एक आंख से स्कोप लगा के देख रहा है ये। इससे फ़ायदा ये होता कि जल्दी से बंदा मार नहीं सकता इस बंदे को। हाँ कोई स्नाइपर होता है वो हेड शॉट लेके खड़का भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यार बच के रहियो, स्नाइपर बहुत गंदे होते हैं भाई। स्नाइपर हमने तो यार कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर आगे देख देख के यार स्नाइपर भी बहुत तकड़े होते हैं। थोड़ी बहुत हम भी कर लेते हैं स्नाइपिंग यार, लेकिन उससे खेलने से परफेक्ट हाथ को जमा के रखना पड़ता है, तब जाके स्नाइपिंग होती है। खेलते रहे भाई, चलता रहे, बंदा कहाँ जा रहा है। अभी इसके दिमाग में मेरे को लग रहा है अभी उस बंदे को मारूं मैं, इसने बंदे को देख लिया है। चल भी तो ये रहा, 100 बंदे उतरे थे भाई और 30 बंदे रह गए, अब तो 3 इसने मार दिए हैं। तो भाई ये है कि जो बंदे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे यही मारेगा, 100 बंदे होते हैं वो जो बंदे खेल रहे होते हैं वो सारे के सारे वही होते हैं, कोई कंप्यूटर का नहीं होता। एक आधा होता है जो 100 में से कोई कम होता है ना, जो पबजी गेम उसको बोट बना के और उतार देती है, वो ज़्यादा वो पता चल जाता है बोट है भाई ये। बोट वो क्या करता है कि थोड़ी सी गोली चला के और रुक जाता है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता भी बंदा कहाँ से कैसे मारेगा। अब वो बंदा देखो सामने खड़ा है, इसने स्कोप लगा के देख लिया, ओ तेरी इसने क्या हेड शॉट लिया, इस बंदे को ही ख़त्म कर दिया। ले ले भाई इसका तो, इसकी पेटी बना दी है, ख़त्म कर दी कहानी, राम राम मानियो। और भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, प्लीज़। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, थैंक यू।